जनाब खत रसूल के यहाँ
शौकत आपके सामने नात सुनिंदु पेश कर रहे थे। मुख्तार मुफ्ती जाहिद साहब चालकोट एंटर हो चुके हुए, चंद मिनट में शराब शेख ले आते हैं फैसलाबाद से। आपकी थोड़ा सा गले शहर हो गए, दोस्तों को लेने के लिए गए हैं। इस दौरान चंद मिनट में आपसे शेयर कर रहे थे मुख्तार। डॉक्टर असलम साहब मुझे दो तीन दिन पहले पूछे थे कि दाई और मधु मौजूद के हवाले से। असल में हर चीज की बुनियाद अगर कोई कोपल खिलती है, कोई एहसास जन्म लेता है, तो कोई ना कोई उसकी जड़ बुनियाद जरूर होती है। पिछले बचपन में जब मजहबी तजर्बात से गुजरना शुरू हुए और दीन के हवाले से फहम में इजाफा शुरू हुआ, तो सियालकोट शहर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जुम्मा मस्जिद ने मुफ्ती मुख्तार नहमी साहब होते थे, उनसे हम लोग मुस्तकिल जुम्मा पढ़ना वहां जाते। अल्लाह मफरत करे मौलाना मोहम्मद अली कादरी रहमतुल्लाह थे, उनसे कुछ लम्हे वहां इत्काफ के लिए बैठे या उनके पास बैठना, तो इंसान को कुछ ऐसी अनसीन फीलिंग्स आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं। ऐसे बड़े लोगों से ना जब इंसान बैठता है, ऐसा ऐसा रूहानी कुछ सफर के अंदर मोहर बन जाती है। इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जांबाज थे नासर रोड के ऊपर, उनको देख के भी कुरुने उला के इंसान या मुस्लिम जहन में आ जाते थे। इसकी एक और बहुत बड़ी अलामत शहर में देखी जो मौलाना शाह मोहम्मद के रहमत के ऊपर, कि वो जुम्मे का खुतबा भी देते थे और दरिया भी साइकिल के ऊपर शहर में दुस्से और इस तरह की चीजें। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, ऐसे लगता है कि हमारे अल्फाज के मफहूम या उसकी रूह या उसके अंदर जो जज्बे होते हैं, या वो जो अल्फाज के अंदर एक कशिश जो करंट होती है, वो भी खोती चली जा रही है। हम यानी जैसे कागज के फूल हैं, इसी तरह हमारे रवैये भी इसी तरह डेवलप हो गए हैं। मसरूईपन, एक चमक दमक, उन चीज़ों को लाइक करना, जो जो बुनियादों में लगने वाला काम होता है, वो बीज को जमीन के अंदर देने वाला काम होता है, वो शायद हमारी तबीयत का मजा ऐसा डाल दिया गया या डल गया है कि उसकी तरफ बुनियादों की ईंटें बनने को हम लोग तैयार नहीं हैं। असलम कुरैशी साहब की खत्म नबूवत की तहरीक चल रही थी और इतने बड़े जज्बों के साथ उनके जुलूसों में जाना, जलसों में जाना, करते नजर कुछ बातें हुई उनको अवॉइड करते हुए। मैं उसी दौर में थे जामिया फरूकिया, तो मैटर में मैं पढ़ता था, तो मैंने कहा ये समझ नहीं आती कि जब इस मस्जिद में जाते हैं तो वो दूसरे के बारे में कुछ कमेंट करते हैं, उधर जाते हैं तो वो कुछ कमेंट करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है जिस पर हमारा सबका ईमान है, और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है जिन पे हमारा ईमान है। तो ये समझ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भी रेफरेंस वहीं से ला रहे हैं, वो भी रेफरेंस वहां से ला रहे हैं, गड़बड़ क्या है। मुझे कहते हैं मुतमिन करने वाली बात करो तो सच बोलूं, मैं तेरी सच बोलूं। मुझे कहते हैं वो हदीब थे उस वक्त 84 में 85 में शायद, मुझे कहते हैं सर बेटा इशू जो है हमारे पेट का इशू, हम भी अगर जज्बों से एक दूसरे के खिलाफ ना बोले तो आप लोग भी अपनी जड़ी ढेर नहीं करते। तो अब ये चीजें तदरीजन ये चीजें आगे बढ़ती बढ़ती सारे लोग मुखलिस से अल्लाह और रसूल से, लेकिन सोसाइटी की हमारे ऐसी तश्कील हो गई है या बना दी गई है या बन गई है कि अब कोई खास दायरे से बाहर हम लोग सोचने की अहलियत नहीं हो सकती। इस बात को समझने की बहुत आसान, जैसे ऐनक बच्चे लगाते हैं नीले रंग की सुरख रंग की, तो जो ऐनक पहन
वही जिंदगी नजर आती है। जब इससे आगे तजर्बा बढ़े तो मैंने एक बाइबल प्रॉस्पेरिटी के कोर्स शुरू कर दिए फैसलाबाद से। वो 20-25 उनके कोर्स सर्टिफिकेट, मुझे कुछ लोगों ने मना किया ऐसा नहीं करते, मैं क्रिश्चियन के साथ बैठ खाना भी खा लेता, बर्तन भी बैठ खा लेता। और उसका मुझे लोग दोस्तों मेरे ने गिला करना कि तुम क्या करते हो, नबा कहने के मसला ये है कि मुझे तो जो चीजें मैंने बचपन से सुनी है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इंसानों में जिए, जिन इंसानों में बड़े बड़े जिंदगी गुजारी, वो लोग उनकी जिंदगी 40 साल अगर ना देखते तो शायद वो ईमान लाने की पोजिशन ना होती। हमारा ये जो आपको मैंने जिक्र जो किया है ये इस बैकग्राउंड में किया है कि बहसीयत दाई दावत देने वाला, मैं एक दाई के तौर पर बात करता हूँ, आप सब दाई हो, आप नुमाइंदे हो अपनी उस फिक्र अपनी सोच के जिसके आपने दावत देनी है। क्या दाई किसी इंसान को जिसको उसने दावत देनी है उससे नफरत कर सकता है? क्या जो पैगंबराना जिसको अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया हास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, वो जो मेरी खुशबू खो गई है, हम सब जो अल्लाह की तखलीक है, अल्लाह ताला की तखलीक पौधे भी हैं, अल्लाह ताला की तखलीक दुनिया जहान की मखलूकात है, उन सब की कोई ना कोई ब्यूटी जिस तरह भी जिक्र होता लगी हुई है। अब गुलाब का फूल अगर खुशबू देता है तो खुद इंजॉय नहीं करता, दूसरे इंजॉय करते हैं। अगर मैं हम सब अपने आप से सवाल करें कि जिस खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हम नुमाइंदे हैं, मैं बहसीयत उस्ताद, मैं बहसीयत ताजर, मैं बहसीयत डॉक्टर, एक दाई अपने फील्ड का एक नुमाइंदा हूं, क्या मैं उसके तकाजे पूरे करता हूं? ये ऐसी चीज है कि जो हमारे काम का जो मकसद है यहां आने का, बैठने का, आपको दावत देने का, कि उस चंगारी जो मेरे और आपके सब के अंदर मौजूद है, क्या चंगारी? अल्लाह ताला पे ईमान, खातमुन नबीइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, वो चिंगारी शायद थोड़ी सी मदहन हो गई। उस चिंगारी को अगर हम लोग अलाइव करें, उस चिंगारी को अगर हम जिंदा करें, उस बीज को अगर उसकी मैन को थोड़ा सा हम इस ईट पे भी जमा करने की कोशिश करें, उसको मट्टी के अंदर ले जाएं और उसको पुंगरने का मौका दें, वो चिंगारी, वो इंसान जो दाई, क्या दाई के तौर पे मेरे मुहातब दूसरे मुसलमान हैं जिनसे आगे नफरत करता हूँ, या मेरे मुहातब दूसरे इंसान हैं मेरा उनसे क्या नफरत है? या जैसे हम मसाले सुनते हैं रवायात के अंदर, तारीख के अंदर, अहादीस में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में दरख्त रोते थे, जानवरों का ये तर्ज अमल था, परिंदों का ये तर्ज अमल था, टर्किश लोग पहाड़ों पे बर्फ के पहाड़ों पे जानवर पर उठती खुराक फेंक के आते थे कुरने उला के मुसलमान के परिंदे आएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, खालिक क्या कहेगा कि मुसलमानों के दौरे हुकूमत ने वो पहाड़ों पे बर्फ बारी होने से खुराक मुयसर नहीं है। तो क्या हम सब आज अपने इर्द गिर्द जोहड़ों के अंदर हमारे मछलियां होती थी, पुलैग में बचपन में देखा है मछलियां पकड़ते हुए, हमने वो गंदगी कर दी है, अपनी गंदगी गलाजत डाल डाल के, अब लाहौर जाए तो नहर एक साफ सुथरा पानी है हमारा। क्या जो ये सवाल की मैं दाई और मधु, दाई और मधु में बहसीयत दाई मेरा मुहतद इंसान है और उसके साथ मेरा क्या तर्ज अमल है, और बहसीयत दाई मेरी मधु क्या मुहतब हैं वो सारी मखलूक, वो पानी भी एक मखलूक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरख्त चिंतन भी मखलूक है, इन ये क्या ये भी मेरा मधु है? क्या वो भी तकाजा करता है जिसको सफाई निसब ईमान कहा गया, क्या वो भी मुझसे तकाजा करता है कि मैं मेरा ये भी मेरा मधु है, ये भी मेरा फील्ड है? इसके बारे में सोचना, रोड पे चलते हुए अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ या और बहुत से अच्छे काम करता हूँ, अगर कमजोरियाँ भी हैं, क्या मुझे ये शौर है कि रोड के ऊपर चलते हुए दूसरे इंसान का हक या उसका एहसास रखना भी मेरी बेसिक दाई जिम्मेदारी में आता है? क्या मेरे तर्ज अमल से ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर मैं कांटे की तरह लोगों को तकलीफ देने वाला हूँ या लोगों के लिए आसानियां बिखेरने वाला हूँ? क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है और ये हम सब जानते हैं, हमारे लिए रोल मॉडल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और
लेके हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत मसीह अलैहि सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने आसमानी पैगाम को, इंसानियत को अपने ट्रैक पे रखने के लिए अपनी जिंदगियां लगाई, और जब दीन की तकमील अल्लाह ने की तो उम्मत मुसलमान को जिम्मेदारी देनी। हमें भरत ये चीज अपने आप से सबको सवाल करना चाहिए कि क्या तहसीत दाई, मेरा जो भी नाम है, क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अदा कर रहा हूँ? अल्लाह को जाके सबने अकेले के जवाब देना ना, किसी ग्रुप या ग्रोह की शक्ल नहीं, स्वाये इस्लाम और मुस्लिम के। तो क्या हम सब, ये एक मेरा आमियाना सा जहन है, मेरे से साहिबे में ज्यादा दोस्त बैठे होंगे, लेकिन जो सवाल जरूर लेते हैं कि तहलीके कायनात है, क्या तहलीके कायनात सिर्फ इंसानों के लिए हुई या दूसरी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत को भेजने का भी कोई मकसद है? उसके अंदर हमारा जो रोल है या मेरा, हम अपने आप से जब सवाल करें तो वो रोल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तकाजे करते हैं। अब ये चीज तो हर इंसान जब अपने आप से सवाल करे, अपने रब को गवाह बना के, तो अपने जवाब को खुद तलाश कर लेता है। मेहमान ने तशरीफ ले आए, मैंने चंद दमी आपसे लेने थे, आपने रेडी लिया तशरीफ लिया, ये माशाल्लाह पी एच डी डॉक्टर है जी और मुफ्ती है जामिया मिलादिया में, लेकिन इतने मैं आज तक मिला नहीं, मैं चेहरे से पहचानता हूँ, फोन पे बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे साथ कोई इलाका साथ में ना लगाओ। और आज जब वो उमर अबू बकर छोटे बड़े नाम और आज बड़े बड़े नाम, वो बड़े लोग आज हम छोटे, ये गैप भी हमें सोचना चाहिए कि आज साथ के इलाके लगाने का हमें कितना बैनरों पे, पोस्टरों पे और पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है कि बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अंदर का इंसान हमने छोटा कर लिया और अपने तमगे बड़े बड़े सजा लिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अंदर की रोशनियों को लगा दें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अमल करें, अपनी जिंदगियों को अमल पे उभारें, अपनी जिंदगियों को एक्शन स्पीक्स के तरफ पे। कल एक मीटिंग में था सीपीएससी के, तो पुलिस की तरबियत के हवाले से एक साथ कह रहे थे जी तकरीर वाज का कोई सिस्टम बनाते हैं। मैं कह यार खुतबा तो इतनी तकरीरें वाज कर रहे हैं, आखिर कुछ तो हो गया है कि इतनी वाज और तकरीर को असर नहीं है। असर इशू यह है कि वो तकरीर और वाज जो मैं अल्फाज कह रहा हूं, अगर मेरा आप मुझे रोड पे चलते देखते हो, मेरे साथ मामला करते हो, अगर मेरे मामला उस चीज की गवाही नहीं देते हैं तो आपको भी बकवास करता है, ये तो ऐसे ही उठना बोलता रहता है। असल चीज यह है कि जब तक हम सब का अमल और हमारा गुफ्तार एक नहीं होता, ना मेरे अल्फाज में खुशबू आएगी, ना मेरी जुबान में तासीर आएगी, ना मेरे उसके असरात आएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब नुमाइंदे हैं अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उस राह को समझें जो अल्लाह का दिया हुआ रास्ता है, रहमतुल आलमीन सरसल का रास्ता, जो दुरुस्त रास्ता है। बाज का ऐसा भी होता है कि इंसान ऐसा उसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि वो एक गलत रास्ते पर चल रहा होता है और वो ये अंडरस्टैंड करता है कि मैं शायद दुरुस्त रास्ते पर चल रहा हूँ। ये समझना, इसको जांचना, मयार तो पैमाना सिर्फ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नफरत का तर्ज अमल इंसान के सारे काम को जीरो कर देता है। ये जो बुनियादी मुहर्रक इस काम के अंदर है कि पैगंबराना रवैया और पैगंबराना मिजाज और पैगंबराना जुबान और पैगंबराना नजर का पैदा होना हम सब इंसानों के लिए, हम सब अहले ईमान के लिए जरूरी है, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग जो बार बार कुरान पाक के अंदर 750 से 1000 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र का हुक्म दिया है, अगर हम सिर्फ यही, ये कायनात क्या इंसानों के लिए बनाएगी, ये कायनात क्या सिर्फ मुस्लिम के लिए बनाएगी, क्या ये कायनात सिर्फ परिंदों के लिए बनाएगी, कि जितनी भी मखलूकात हैं हाल के कायनात में इन सब का यकीनी तौर पे कोई ना कोई रोल मुतय्यन किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जो बार बार गौर फिक्र करो, जमीन के अंदर करो निशानियां, आसमान के अंदर करो निशानियां, हम इसी बात को और गौर करें। दुनिया में आप अक्सर में देखो, सिंधी लैंग्वेज है, बलोच लैंग्वेज है, आपकी पश्तो है, आपकी पंजाबी है, सराइकी है, कि लैंग्वेज की तखलीक बजाते खुद इस चीज का तकादा करती है गौर फिक्र का, कि एहसास एक तरह के, एक आपके दिल में एक एहसास जन्म लेता है, उस एहसास को इजहार के लिए हर
इंसान का जो अल्फाज का लिबास है, अल्फाज जो है ये एहसास के लिबास हैं, उसको इजहार के लिए कुछ मेरे जैसी आमीना जुबान होगी, कुछ आप जैसे बड़े रिश्ते लोगों की जुबान होगी, किसी को अलामा इकबाल की जुबान मुयसर आएगी, किसी को किसी जिन बड़े आलिम की जुबान नजर आएगी, किसी को कोई भी रेफरेंस। ये जितनी भी डेवलपमेंट है ये क्या खुद बहुत हो गई है? ये यकीनी तौर पर खालिक़े कायनात की रजा के बगैर नहीं हो सकता। ये जुबानों का डेवलप होना, लैंग्वेज का डेवलप होना, रसूल खत का डेवलप होना, ये इंसानी तख्लीकात है ना, बाकी तो जाहिर है। लेकिन ये यकीनी तौर पर जो 1,24,000 पैगम्बर हम कहते हैं हमारा ईमान है, कायनात में तशरीफ आए हैं, ये यकीनी तौर पर हमें जिनका मालूम है जिनका मालूम नहीं है, ये अल्लाह ताला ने जो कायनात की बनाई उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिस्टम मुतबन किया, उसको अपने नुमाइंदों के जरिए इंसानों तक उन अलूम को डेवलप किया। एक दफा यहाँ डॉक्टर यूसुफ सोरकी गालबन तशरीफ लाए थे और उन्होंने रेफरेंस से बताया था कि किस पैगंबर पे कौन सा इल्म आया, रोहे का इल्म किस पैगंबर पे आया, फलाह इल्म किस पैगंबर पे आया। आज साहब आज खुश आमदे कहते हैं मुफ्ती साहिब साहब का, प्लीज डॉक्टर साहब अपनी तशरीफ लाए। वालेकुम सलाम। बेमान वाले शीख ले आए हैं, इन शाला ज़्यादा टाइम नहीं ना करूँगा, लेकिन मेन जो बात आपसे हो रही थी कि बहसीत दाई आज हमें वो एहसास ज़िंदा करने की ज़रूरत है। कौन सा एहसास जो पैगंबराना रवैये को जन्म देता है, जिसको एक बात कहते हैं खास से तरकीब में कौम रसूल हाशमी, और हमें सबको अब कोई दूसरा कर रहा नहीं कर रहा, एटलीस्ट मुझे तो अपने आप से बात करनी चाहिए कि मैं जो अपनी ज़िंदगी के लम्हे इस कायनात के अंदर गुजार के जा रहा हूँ, क्या जो अल्फाज ज़ुबान से बोलता हूँ क्या मेरा अमल गवाही देता है, क्या मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के उम्मती होने की गवाही देता है, क्या मेरा अमल दुनिया के अंदर इंसान क्या मेरे तर्ज़-ए-अमल को देख के ये पहचान कर सकता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इंसान है। ये जब तक खुशबू हम सब में से नहीं आएगी, जब तक हमारे तर्ज पर हमारे मामला नहीं बोलेंगे, तब तक जो हालत हमारी है ये शायद नहीं बेहतर हो सकती। और दुनिया की ज़मानेकार किसी आलमी दीन ने लिखा है कि दुनिया में तरतीब है, कभी कैसरो मिस्रा के हाथ में दुनिया पे स्टेरिंग होता है, कभी मक्का और मदीना स्टेरिंग बनता है, कभी आपके बाद जर्मनी और जापान बनता है, कभी मास्को और वाशिंगटन, और आज जिस सफर में आप सारे जानते हैं ये खुद बहुत नहीं होता, इसके लिए ये कई मराहल गुजरने पड़ते हैं। आज खातम मुसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और इंसानियत के हवाले से उसको जो आखिरी खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी का बताया कि अब नबूवत खत्म हो चुकी है, अब ये उम्मत ने जिम्मेदारी अदा करनी है, क्या हम लोग उस जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं, क्या उसका हम सिर्फ इजहार जबानी करते हैं या क्या हमारा तर्ज अमल हमारे मामला हमारे अमल भी गवाही देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दुरुस्त बात को समझने की कोशिश भी करें और अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढालने की भी तौफीक दे। बाकी मेहमान तशरीफ ला गए, मैं मुहतरम मुफ्ती साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। आज का मौजू दाई और मधु हमारी जिम्मेदारी है जी। आप बैठक सुन करेंगे बात दे जी आ रहे
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قبل سد احترام حاضرین مجلس میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں تھنکرز فورم کا کہ انہوں نے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف پہنچا. آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں سے سورہ احزاب کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلے میں ان آیات کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کروں گا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا شخص اس کی دعوتی پالیسی کیا ہونی چاہیے, اسلوب کیا ہونا چاہیے, اور آخر میں اہل حاضر میں اس اسلوب کے اطلاق کے ہمارے پاس کیا مواقع موجود ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں. اللہ جل جلالہ وہ باتیں کہلوائیں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں, سامعین کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. ہم سب جانتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے اور قرآن کریم کا یہ واضح ارشاد ہے
कि सरवरे आलम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से एक रहमत बना कर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा है और वो मकसद है आपको सारे आलमों के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बनाना। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। कुरान ये नहीं कहता कि हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, कुरान ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रहमत बनाना, आप सरापा रहमत। और इसी आयत मुबारका की वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में फरमाई है कि इन्नमा अना रहमतुम मुहदात, मैं तोहफे में दी गई एक रहमत, तोहफे में दी गई रहमत के कारण। आप किसी पर मेहरबान होते हैं, किसी पर दर्द खाते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं इस वजह से कि वो हाजतमंद, इस वजह से कि वो ज़रूरतमंद, ये भी आपकी रहमत है उस पर, ये भी आपकी मेहरबानी है उस पर। कोई फकीर आया, कोई भूखा आया, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने गरीबों के लिए एक दस्तरखान लगा दिया, आपने ईद के मौके पर काफ़ी सारे कपड़े खरीदे और गरीबों ने तकसीम कर दिए, ये आपकी रहमत है जो आपने गरीबों पर, यह आपकी मेहरबानी है जो आपने गरीबों पर, उन्हें मोहताज समझ। लेकिन उसी ईद के मौके पर जहां आपने कपड़े खरीदे, गरीबों में तकसीम किए, वहीं आपने ये भी किया कि बहुत अच्छा सूट, बहुत खूबसूरत पैकिंग के अंदर किसी अच्छे बड़े स्टोर से खरीदा, उसको किसी अच्छे से बैग में, अच्छे से शॉपर में डाला या डलवाया और अपने किसी दोस्त के साथ हिम्मत ने बतौर तोहफे को उसे पेश किया, ये भी आपने उस दोस्त का एक किस्म की मेहरबानी। पहली जो मेहरबानी है ये शरीयत की इस्तेलाह में, इस्लाम की इस्तेलाह में, अरबी जबान में सदका कहना है। सदका आप इसलिए कर रहे होते हैं कि ये समझ रहे होते हैं कि अल्लाह मोहताज है, लेकिन जब आप तोहफा दे रहे होते हैं तो किस दोस्त को आपने कपड़ों का ये सूट, ये डब्बा गिफ्ट किया है, वो इसका मोहताज नहीं, इस वजह से आपने दे रहे हैं उसको लोग, मुमकिन है कि वो इससे 10 गुना ज़्यादा कीमत का लिबास खरीदने की सलाहियत। आप इसलिए उसे दे रहे हैं कि आपको उसके साथ मोहब्बत है और हदीये के जरिए, तोहफे के जरिए आप मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह इस जहान के, पूरे जहान के और बिलखसूस इंसानियत के रब, रब होने के नाते वो हम सबकी ज़रूरतें हैं पूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह का इंसानियत के साथ एक और रिश्ता भी है, वो ये कि अल्लाह को अपनी मखलूक पर और बिलखसूस इंसानियत पर प्यार है, मोहब्बत है। अल्लाह अपनी रुबूबियत का भी इजहार करते हैं, अल्लाह अपने बंदों के साथ अपनी मोहब्बत का भी इजहार करते हैं। सरवरे आलम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने यह कहा कि आप अल्लाह की रहमत बनकर, रहमत पहली किस्म की भी हो सकती है, दूसरी किस्म की भी हो सकती है। जब कुरान एक इजमाली बात करता है तो
उससे अगला किरदार सरवर आलम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का आता है कि वह कुरान की वजाहत है और ये जिम्मेदारी खुद कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है कि तो बैन नासी मानूस कि जो उन पर नाजिल हुआ है आप उसकी वजाहत करें। कुरान ने कह दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अब सब जहानों के लिए रहमत आया, वो रहमत जिसका असल मकसूद सिर्फ रुबूबियत का इजहार है या वो रहमत जिसमें अल्लाह के प्यार का अल्लाह की मोहब्बत का इजहार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि इन्नमा अना रहमतुल्लाह, कि मैं तोहफे में दी गई एक रहमत हूँ, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर सिर्फ इंसानों की ज़रूरत ही पूरी नहीं, ज़रूरत भी पूरी, वो ज़रूरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी पूरी हुई थी, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी पूरी हुई थी, वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी पूरी हुई थी। इससे सिर्फ ज़रूरत ही नहीं पूरी हुई बल्कि अल्लाह की इंसान से जो मोहब्बत है और वो मोहब्बत हो तो कुरान कहता है अल्लाह ताला ने कहा इंसान के बारे में खलक तू ये देख, मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया। जब इंसान अपने हाथों से कहता है, माँ कहते हैं मैंने इसको अपने हाथों से पाला बच्चे, उसमें प्यार का इजहार होता है। तो इंसान अल्लाह को इंसानियत से जो प्यार है मोहब्बत है, उस रिश्ते मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हुआ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो मैंने कैसे कर रहा था कि ये हम सब का यकीन है, ये हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना देते हैं। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए रहमत, कोई पहलू ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि वो रहमत नहीं है या रहमत से खाली। लेकिन आपकी के रहमत होने का सबसे अहम बड़ा मज़हर, इसका इजहार, इसकी वजाहत कुरान करीम की इन आयात में की गई है जो मैंने आपके सामने रखा। इन आयतों के दरमियान में अल्लाह ने एक बात कही है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। पांच बातें कही कि हमने आपको इन पांच कामों के लिए आपको पांच सिफात का हामिल बना कर दिया है। इन सिफात की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ क्योंकि असल में हमारे मौजू से ताल्लुक यही है। लेकिन ये बात कहने से पहले या अय्युहन नबी जो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन बताइए कि ये बात को किन चीज़ों में लपेट कर कुरान ने कहा, इसका जो सियाक व सबाक है पहले उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला। आगाज़ अल्लाह ने यहाँ से किया, पहले तो ये कहा कि अल्लाह को कसरत से याद करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। उसके बाद फिर अल्लाह कौन है, वो हमारा राज़िक भी है, वो हमारा खालिक भी है, वो बारिश बरसाने वाला भी है, वो ज़मीन को पैदा करने वाला भी है, वो बहुत कुछ है, कुरान ने जगह जगह तारीफ करा है। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो सिफतें जिक्र की गई हैं वो ये हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकातुहु, अल्लाह वो ज़ात है जो हर वक्त तुम्हारी तरफ रहमतें भेजती रहती है और उसने अपने फरिश्तों को भी इस काम में लगा।
وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. क्या रहमत अल्लाह की, क्या रहमतें देखते हैं, वो रहमतें जिनके ज़रिए से इंसान तारीकी से निकल कर रोशनी, रोशनी मिल जाना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है. वकाना बिलमुमिनीना रहीमा, अल्लाह मुमिनीन पर बड़ा मेहरबान है. तहियतुहुम यौम यलकौनहु सलाम, जिस वक़्त बंदों की अल्लाह से मुलाकात होगी क़यामत के दिन, तो अल्लाह सलाम के अल्फाज से, सलाम के अल्फाज से इन बंदों का इस्तक़बाल करेगा. वअअद्दा लहुम अजरन करीमा, और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही एजाज वाला सिला और अजर तैयार कर रहा है. पहले ये कहा, और दरमियान वाली बात कहने के बाद जो असल कोर है पूरी आयतों का, जो मगज है, या ये नबी असल था, ये आयत ख़त्म करते ही ये कहा, वबशीरिल मुमिनीन कि अन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, ईमान वालों को ये बता दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है. फजल उसे कहते हैं जो आदमी के इस्तेहक से भी बढ़कर उसे. आप एक मजदूर को रखते हैं और 500 रुपये दिहाड़ी तय करते हैं और शाम को उसे 500 दे देते हैं, ये आपने उस मजदूर के साथ अदल किया है. और बनता उसका 500 था, लेकिन आपने जेब से 5000 का नोट निकाल कर उसे दे दिया, तो आपने सिर्फ अदल नहीं किया उसके साथ, बल्कि उसको फजल किया. तो पहले भी ये करना बहुत मेहरबान है, बाद में भी ये करना बहुत मेहरबान है, दरमियान में यह है कि हमने नबी को, ऐ नबी आपको किस काम में. तो अल्लाह के नबी अल्लाह की रहमत का मज़ा है, और अल्लाह के नबी के ज़रिए से अल्लाह की जो सबसे बड़ी रहमत ज़रूर पूरी हो रही है, वो काम है जो यहाँ अल्लाह अपनी रहमत के बयान में, अपने फजल के बयान में, अपनी मेहरबानी के बयान में पेश कर. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, और आपकी रहमत का सबसे बड़ा पहलू वो है, सबसे आम पहले वो है जो यहाँ आते हैं. नबी को इन्ना अरसलना का शाहिदन व बशरन, तीन औसाफ आते हैं. मैं इन औसाफ की ज़्यादा तफसील नहीं करता, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, शाहिद बनाकर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसबे शहादत क्या है, इस दुनिया में क्या है, आखिरत में क्या है, ये मुस्तकिल मौजूद है, इसलिए मैं इसको ज़रा छोड़ कर आ गया. वह मुबशिरन व नज़ीर, आप मुबशिर भी हैं, आप नज़ीर. और अल्लाह ने जितने भी रसूल भेजे हैं, रसूलन मुबशिरीन व मुनज़ीर, दो काम होते हैं. एक तो वो ये बतलाते हैं कि अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा सिला, और दूसरा ये बतलाते हैं कि बुरा करोगे तो उसका नतीजा बुरा होगा. अच्छा करोगे तो क्या अच्छा सिला मिलेगा, ये मुबशिर होना है. बुरा करोगे तो उस पर क्या बुरा नतीजा निकलेगा, ये नज़ीर या मुनज़िर होना है. हम उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो बार बार नज़ीर का तर्जमा कर देते हैं डराना वाला, ये तर्जमा थोड़ा सा अधूरा है, बात पूरी इससे वाजे नहीं. क्योंकि मैं खास किस्म का मास्क पहनकर आपके सामने आ रहा हूँ, आप
मेरी शक्ल देख कर डर जाए, ये भी डराना है क्योंकि अल्लाह के नबी का डराने इंजार के अरबी में माना होते हैं अलार्म बजाना, सायरन बजाना, खतरे से आना। आप जा रहे हैं, आगे खाई है, आगे कुआं है, आपको एहसास नहीं है, तो एक आदमी पीछे से खड़ा चीख चीख कर आपको बता रहा है कि रुक जाए आगे, ये है गाड़ी के ऊपर एक बता रहे, ये उसका बोलना, ये उसका चीखना, ये है इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन दोनों सिफतों को अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ मिसालों के जरिए बयान किया। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला खिताब जो फरमाया, उमूमी खिताब दावत के साथ, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि अल्लाह का पैगाम खुद तक अपने अहले खानदान के सामने, तो आपने बुलाया कुरैश के सारे खानदानों को इकट्ठा किया और एक सवाल उनसे, सवाल ये किया कि ये बतलाओ कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा दुश्मन का एक बहुत बड़ा लश्कर है जो थोड़े ही वक्त के बाद तुम पर हमला आवर होने वाला है, अभी थोड़ी देर के बाद तुम पर हमला हो, तो क्या मेरी इस बात को तुम मान लोगे? बज़ाहिर बात मानने की दूर है, इसलिए नहीं लगती कि इतना बड़ा लश्कर अगर आ रहा है उसने डायरेक्ट यकदम आसमान से नहीं उतरना, उसने मरीख से नहीं उतरना, उसने ज़मीन पर चल के आना है। मक्के के चरवाहे रोज़ाना बाहर जाते हैं, मक्के के लोग इधर उधर सफ़र के लिए आते जाते हैं, आना जाना बाहर लगा रहता है, अगर किसी भी साइड से इतना बड़ा लश्कर तो आ रहा होता तो पहले से कोई ना कोई तो इतना कोई ना कोई खबर तो होती। वादियों नज़र में बात नहीं है मानने की, लेकिन सब ने बयक जबान ये कहा कि अगर आपकी जबान से ये बात निकलेगी आप कहेंगे तो हम ज़रूर मानेंगे, इसलिए कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, आपकी जबान से सच्चाई के अलावा कुछ नहीं है। ये हमारा ज़िंदगी भर चलता है, ये बात नामुमकिन हो सकती है कि इतना बड़ा लश्कर अचानक कैसे पहुंच गया, लेकिन आपकी जबान से गलत बात निकले ये उससे भी ज्यादा ना। हमने अपने साथ कराम से एक लतीफ़ा कह लें या वाक़ कह लें सुना है, किसी किताब में तो नहीं पढ़ा। आलमगीर रहमतुल्लाह जो बरसग़ीर के हिंदुस्तान के बादशाहों में गुजरे हैं, बड़ा नाम है उनके उस्ताद मुल्ला जीवन उनका नाम, उनकी एक किताब है नूर अनवार के नाम से, वो दरस निज़ामी में जो आलिम बनते हैं, आलिम का कोर्स होता है 8 साल का, उसमें बाकायदा पढ़ाई है। आलिम बहुत मुतबाहिर थे लेकिन आम जिंदगी के तजुर्बों के अतबार से बहुत सीधे साधे थे, उनकी सादगी के बड़े वाक़यात होते हैं, बहुत लोग होते हैं इलम काफ़ी तो अल्लाह ताला ने दिया होता है लेकिन ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता। एक दफ़ा एक ठेकेदार कंट्रैक्टर इनके पास आया और कहा कि बादशाह से मेरी दरख्वास्त करो, मेरी एक सफारिश कर दूंगी, वो आपका शागिर्द है, आपकी बात मान लें। कहा कहें क्या है? उन्होंने कहा कि बादशाह ने मुझे ठेका दिया था
फलां जगह इतने अरसे में पुल बनाना है। अब मुझे खतरा है कि वो बादशाह चेक करेगा, इंस्पेक्शन होगी तो वहाँ पुल नहीं होगा बना हुआ, तो मुझसे मुआवजा होगा, बादशाह मुझे सजा देगा। मैंने कहा कि अगर आपने तय किया था तो बना देना था पुल। उसने कहा कि हजरत हुआ ये कि मैंने पुल बनाया था लेकिन रात को चोरी हो गया, पुल चोरी हो गया। उन्होंने कहा अच्छा हो गया, मैं बादशाह से कहता था। गया बादशाह के पास और जाकर के कहा कि फलां जो ठेकेदार है उसको आप कुछ ना कहिए, इसलिए कि बेचारे ने पुल बनाया तो था लेकिन चोरी हो गया। बादशाह ने कहा कि उस्ताद जी आपने कह दिया तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन आपने इस पर गौर फरमाया कि पुल चोरी कैसे हो गया। तो कहने लगे कि ख्याल तो मेरे जहन में भी आया था कि पुल कैसे चोरी हो सकता, पुल चोरी होना नामुमकिन। फिर मैंने सोचा कि जितना नामुमकिन पुल चोरी होना है उससे ज्यादा नामुमकिन एक मुसलमान का झूठ बोलना है। अल्लाह आलम की हद तक तो वाकया है नहीं है, लेकिन सरवरे आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस कम्युनिटी का, उस मुआशरे का जो एतमाद था वो किसी लेवल का। कि अगर आप कहेंगे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें किसी लश्कर वश्कर के खतरे के लिए जमा नहीं किया, वो तो एक मफरूजे के तौर पर मैंने एक सवाल पूछा, उससे भी एक बड़ा खतरा है और वो आखिरत के अजाब का है। मैं तुम्हें वक्त से पहले बताने के लिए आया हूँ, तुम अपने आप को बचा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ीर होने का शफ़क़त है। इसी को एक और हदीस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया कि मेरी और इंसानियत की मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने आग जलाई, आग का अलाव है, बारिश के नतीजे में कुछ पतंगे पैदा हो चुके हैं। आप जानते हैं कि जब मौसम मरतूब होता है, बारिश होती है, बारिश के बाद थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है तो पतंगे पैदा हो जाते हैं। जहाँ आपको रोशनी नजर आती है उसकी तरफ लगा, तो ये पतंगे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आग बहुत अच्छी लग रही है, उनको अंदाजा नहीं है कि वहां पहुंचेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक आदमी खड़ा है और एक एक पतंगे को पीछे हटाने की कोशिश करता है कि आग भी मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, उसको कोई वो बात नहीं, सारे पतंगे जल जाए उनका कोई नुकसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो खड़ा है पतंगों को रोकने के लिए, पीछे हटाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलत जिंदगी गुजारो उसके नतायज भी नजर, वो नतायज मुझे नजर आ रहे हैं जिस तरह उस आदमी को आग नजर आ रहा है, जो उधर जा रहे हैं उस नतीजे की तरफ उनको उस नतीजे का एहसास नहीं है, मुझे एहसास। ये फरमाया कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ तुम्हें पीछे हटा कि ना जाओ इधर, ना जाओ इधर, ना जाओ। ये वो वाला डराना नहीं है जो किसी को परेशान करने के लिए होता है, नज़ीर वो होता है जो सरापा शफ़क़त की बुनियाद पर, सरापा मोहब्बत की बुनियाद पर। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया
सिर्फ अल्लाह की रहमत के मज़ार नहीं है, अल्लाह की इंसानों के साथ जो मोहब्बत है उसका भी मज़ार है। ये नज़ीर होना ये उसी पर बशीर होना चाहिए। और इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल में बयान से बयान फरमाया। आपने फरमाया कि तुम समझो कि एक बादशाह ने एक बड़ी दावत सजाई, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, और किसी को भेजा कि जाओ लोगों को बुला इस दावत को। वो क्या बुलाने के लिए? कुछ लोग तो आ गए, कुछ लोगों ने बात डाला, बल्कि क्या बादशाह कौन बादशाह और कौन सी दावत आप जानते हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारा कारोबार खराब हो रहा है, पता नहीं दावत जो तुम कह रहे हो कि नहीं होती, जो काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं नहीं आए। जो आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो फायदा, एक तो वहाँ जो दावत सजी हुई है उस दावत से मुस्तकिल जो खाने उन्होंने कभी सोचे नहीं थे, तसव्वुर में नहीं आए थे, वो आज उनके खाने में आए। जो मशरूबात उनके तसव्वुर में कभी नहीं आए थे वो आज उनको पीने को मिले। और इससे भी बड़ा फायदा उन्हें क्या होगा कि बादशाह इनसे खुश हो जाएगा जो आए हैं। और क्यों आए हैं? उस बुलाने वाले को क्यों बुलाया? और जो नहीं आएंगे उसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान ये कि वो दावत से मारूम रहेंगे, दूसरा नुकसान ये कि बादशाह उनसे मारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है ये इंसानों के लिए एक दावत से और मुझे बुलाने के लिए। जो मेरी मान लेगा उसको जन्नत की नेमतें भी मिल जाएंगी और उससे बढ़कर जन्नत के मालिक यानी अल्लाह जल्ल जलालुहु को की मोहब्बत मिल जाएगी, अल्लाह का प्यार मिल जाएगा, अल्लाह की खुशनूदगी और अल्लाह की। और इतनी लज्जत होगी अल्लाह की रजामंदी में कि जन्नत की नेमतें भी उसका होगा और अल्लाह की रजामंदी के बाद अल्लाह का जो दीदार होगा उसमें इतनी लज्जत होगी कि सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशीर और मुबशिर। और आगे बढ़ने से पहले यहीं पे एक बात मैं अर्ज करूं के दावत नबियों की जो दावत है वो दीन की दावत है। दीन का जो बुनियादी मुकदमा, मैं मज़हब का लफ्ज़ नहीं बोल रहा, जब हम मज़हब का लफ्ज़ बोलते हैं तो उसमें हिंदू मत भी आ जाता है, उसमें दीन मत भी आ जाता है, उसमें बुद्ध मत भी आ जाता है, लेकिन जब हम दीन का लफ्ज़ बोलते हैं तो इससे मुराद आमतौर पर वो आसमानी हिदायत जो एक मुस्तकिल पूरा एक सिलसिला है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का जो बुनियादी मुकदमा है वो ये है कि इंसान इस दुनिया में राहत, आराम, आसाइश, तायुश, सुकून, इत्मीनान, इन चीज़ों की तरफ, लेकिन ये मेरे करता मैार ज़िंदगी बेहतर बनाए थे। इंसानी तजुर्बा ये बतलाता है कि मैार ज़िंदगी आप कितना भी ऊंचा कर लें इंसान की तस्कीन नहीं। एक वक्त वो भी था जब हाथ वाले पंखे से लोग गर्मी का मुकाबला करते,
ये पंखा ईजाद हुआ होगा, जब ये ईजाद हुआ होगा तो ये समझा गया होगा कि बहुत आराम होगा, लेकिन जब ये पंखा ईजाद हुआ तो इंसान का टिक गया जहाँ पर उसकी तस्कीन हो गई कि बस मंजिल मंसूर करने पाए। ये हवा जिस तरह का मौसम होता है उस तरह की हवा देता है, जून ने सख्त तपती हुई हवा देता है, पसीना तो खुश्क हो जाता है गर्मी का मतलब। इंसान ने कहा अच्छा चलो फंसे वसे लगाओ इसके पीछे और पानी और पानी के अंदर से हवा गुजरकर आएगी, तो जून के मौसम में भी हवा ठीक हो जाए, पहले से आराम में आ गया, सहूलत में आ गया। लेकिन क्या यहाँ पहुँच कर इंसान की तस्लीम होगी? यहाँ भी पहुँचा तो फिर उसके लिए मसले तस्कीन दी, इंसान ने इसी ईजाद किया, मसला मिल गया। ये तो कभी बंद करना पड़ता है, कभी चलाना पड़ता है। इंसान ने कहा कि चलो इस एसी के अंदर थर्मोस्टेट लगा दो ताकि एक टेम्परेचर पर फिक्स कर दें, वहाँ पहुँच कर खुद ही ऑन ऑफ हो जाएगा। एक इंसान जिस मेयार ज़िंदगी पर, जिस सहूलत पर, जिस तायुश पर पहुंचता है, वहां जाकर वो टिकता नहीं, उसे तस्कीन नहीं। आज से 1000 साल पहले का जो बादशाह था, आज का इंसान शायद उससे ज्यादा आराम नहीं होता। मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालता हूँ, पी लेता हूँ। फिरौन ने ख्वाब में भी नहीं ये सहूलत देखी हो। आज मेरे और आपके और मुतवस्सित घरों में मौजूद है। अध्ययन ये कहते हैं कि उसकी वजह है, ये क्यों होता है? इस सवाल का जवाब ये अंबिया ने सवाल सुना, वो ये कहते हैं कि इंसान इस ग्लोब की मखलूक है ही नहीं। ये तो जब पैदा हुआ था तो जन्नत के अंदर ठहरा था, लिहाजा इसको जब तक दोबारा जन्नत नहीं मिलेगी तब तक इसकी तस्कीन, इसके जीन में, इसके अंदर, इसकी फितरत में वो मेरा जिंदगी है जो जन्नत का है। इसलिए कुछ भी कर लगा इंसान की तस्कीन, इंसान की तस्कीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान खैर का, अच्छाई का हरीस रहता है, हत्ता यकूना मुंतहाउल जन्नत, जन्नत में पहुंच जाता है। और एक दिलचस्प वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उससे इसकी निशानी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में बताया कि कुछ ज़ाहिर के गुनहगार लोग होंगे, वो कुछ ऐसे के लिए दोज़ख में जाएंगे, अल्लाह हम सबको बचाए, एक मिनट भी दोज़ख में गुजारना मुश्किल होगा, और सजा भुगतने के बाद इस तरह के लोगों में जो सबसे आखिरी मतलब सबसे आखिर में दोज़ख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, वो कैसे जाएगा? जन्नत चाहें तो दोज़ख से निकालें और जन्नत में, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि मरहला हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया, उसके जरिए दरअसल इंसान की फितरत का इलाज, और इंसान अपनी फितरत के हाथों कितना मजबूर है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोज़ख में वो चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेगा, मिन्नत समाजत करेगा कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बाहर निकाल। अल्लाह ताला कहेंगे कि है तो आदम का बेटा, मुझे पता है कि थोड़ा सा तुझे कुछ दे दिया ना, तो फिर तुझे कुछ और भी मांगना है, टिकना नहीं है। वल्लम ये से वादा करेगा, बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का हमारा करूँगा।
बड़ी कस्में खा कर अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसे दोजख से निकाल देगा, दोजख के दरवाजे पर खड़ा होगा, मुंह उसका दोजख की तरफ होगा। अब पहले दोजख के अंदर जुलस रहा था, थोड़ी देर बाहर की भी हवा खाएगा तो पहले के मुकाबले में नाजुक मिजाज हो जाए, वो कहकर दोजख से बदबू आती है। कम अज कम मेरा मुंह उसी तरफ है, ये गर्म हवा आ रही है, बदबू आ रही है। अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने तो वादा किया था तो कुछ और नहीं मांगा, वो कहते लम्हे बस ये मान के फिर नहीं मांगा कुछ और। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, मुंह मोड़ जाएगा, खड़ा रहेगा सामने एक सबसे नजर आ और इंसान की मायल होता है। कुछ देर तो खड़ा रहेगा, दी चाहेगा कि मैं जरूरत तक कौन हूँ, कुछ देर तक तो सबर करेगा, खड़ा रहेगा तो मैंने तो वादा किया होगा कुछ और मांगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि बोल नहीं पड़ेगा, सबर का अपना माना कर रहेगा बताया बस उस दर तक मुझे उसको उसका उसके वादे रह जाते हैं, तो मुझे कहेगा मैं बस मेहरबानी करके ये मान लीजिए, रहता नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत मानेगा। खैर बात हदीस जरा लगी है, एक और दरख्त फिर एक और दरख्त फिर एक और दरख्त, उससे खूबसूरत उससे खूबसूरत, यहाँ तक कि जन्नत के बिल्कुल करीब जन्नत के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही, उन आवाज़ों में इतनी कशिश हो, उस कशिश के नतीजे में वो फिर अल्लाह ने से कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करिए, वहाँ वहाँ जाएगा कुछ अर्सा वहाँ जाएगा फिर कहेगा अल्लाह मुझे अंदर नहीं कर दे। अल्लाह ताला कहेंगे कि मैं आदमी जान भी छोड़े थे और ये बात मैं कोई करता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये इंसानी की तरफ है जन्नत में जाए भरी हुई बजा है उसको भरी हुई नजर आए बल्ले मियाँ से अर्ज करें लंबी हदीस में जरा उसको तसर कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि बहुत कुछ है तो बता तुझे चाहिए क्या, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर, अब वो जन्नत के अंदर हो, जन्नत से बाहर में और जन्नत के अंदर में क्या वो मांगेगा, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, दुनिया में कितनी उसकी नियमत कर सकती लगनिया कहें बस, और उसकी बस हो जाए, वो कहेगा लगनिया ये मेरी फाइनल मेरी तमन्ना है, आरजुओं की जो दौड़ हो सकती थी यहाँ तक वो वहां तक मैंने दौड़ी। तलमिया कहेंगे अच्छा इस लिस्ट में ये भी शामिल कर दो ये भी शामिल कर दो ये भी शामिल कर दो ये भी शामिल कर दो, अगर ये बताएंगे कि तुम्हें ये भी मिलना चाहिए तुम्हें ये भी मिलना चाहिए तुम्हें ये भी मिलना चाहिए तुम्हें ये भी मिलना चाहिए, वल्लमिया के सिखाने पर अपने उस लिस्ट में इजाफा करो, पता नहीं पुरा लिस्ट हो पुराने जमाने के रजिस्टरों के अखबार से देखते तो तस्वीर मुश्किल है, लेकिन आज के कंप्यूटराइज दौर में डिजिटल दौर में बड़ी से बड़ी लिस्ट अल्लाह का तो पता नहीं क्या डिजिटल सिस्टम पर क्या होगा, बहुत बड़ी लिस्ट जो उसके अपने तसव्वुरात अपनी ख्वाहिशात की पैदावार होती है और अल्लाह के सिखाने के नतीजे में बनेगी, जब वो पूरी हो जाएगी
तो अल्लाह कहेंगे जो तुमने तुम्हारी जो लिस्ट है ये भी तुम्हें मिलेगा और 10 गुना इसके अलावा। यहाँ क्या हो रहा है, इंसान की तस्कीन इतनी हो गई कि जो मिल रहा है वो आगे निकल गया और इंसान की सोच भी जा रही है। और जब जन्नत से बाहर था तो जहां भी पहुंचा पहले से ज्यादा राहत मिली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब एक मरहले से दूसरे मरहले में आएगा तो इब्तिदा में सोचेगा कि पूरी कायनात में मुझसे ज्यादा आराम में हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर अगले खाइश हो जाएगी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत समझाया है कि इंसान की जो तस्कीन हो सकती है वो जन्नत ही में जाकर हो सकती है, जन्नत से पीछे नहीं। इंसान का मेयार इतना होता है कि इस ग्लोब की जितनी इंसान का मेयार को पूरी उतरना ये मुमकिन है। तो बशीर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बशीर होने का मतलब ये कि अल्लाह ने जन्नत वाली की दावत तैयार की है जो इंसान की ख्वाहिशात से बहुत आगे की चीज़ है, अगर ये रास्ता अपनाओगे तो वहाँ। और सिर्फ ये नहीं कि बतला दें बल्कि इंसान को वहाँ पहुँचाने की तड़प, वहाँ पहुँचाने की ख्वाहिश, वहाँ पहुँचाने की पूर्ण। इंसान इधर नहीं आ रहा तो आप इतने परेशान हो रहे हैं कि कुरान को बार बार तसल्ली जन्नत की ये नेमत है जो इंसान की तस्कीन का वायदा है, ये भी। लेकिन उससे ज्यादा इंसान की तस्कीन इसमें है कि इंसान को अल्लाह जन्नत जन्नत को सारी नेमतें मिल चुकी हैं, अल्लाह कहने लगे कुछ और मांग उन्नति कह के अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या मांग। अल्लाह ताला कहेंगे सोचो सोच सोच के देख जाएंगे कि अल्लाह अपनी रजामंद देगा। अल्लाह ये कहेंगे मैं राजी था तभी तो तुम्हें जन्नत में लाया हूँ, चलो तुम कहते हो तो मैं ऐलान करता हूँ कि तुमसे ऐसा राजी हुआ कि कभी नाराज हूँ। जन्नतियों की खुशी की इजाज़त है और उसके बाद फिर अगले मरहले में अल्लाह का दीदार हो बता आएंगे पूजा होगा। अल्लाह खुदा और बंदे के दरमियान जो रिश्ता है वो मोहब्बत का रिश्ता है, और दो चाहने वाले मिल जाए उनमें विसाल हो जाए इससे आगे की जीत कोई और। दावत का मतलब है इंसान के जज्बा या मोहब्बत को उसकी इंतहा तक पहुँचाना। जब उसकी इंतहा का जो दायरा है तो वो ख़त्म होने वाला है, उस इंतहाई इंतहा का जो मरहला है उसमें इसको दाखिल कर देना। सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह और बंदे के दरमियान नहीं हो सकती है, वो कायना और मोहब्बत इसके बराबर है। इसलिए दावत का मतलब ही जो कि ये है, दावत का मकसद ही जो कि ये है, दावत का मफहूम ही जो कि ये है, इसलिए दावत का जो तरीक़ेकार है उसमें भी जगह जगह मोहब्बत मोहब्बत अंदर बताई जल्दी अल्लाह ही अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने ये असाइनमेंट बस राजन होने अब रोशनी देने वाला चराग मुनी जो दूसरे चीजों को रोशन बड़े इस आयत में बड़ी चीज। लेकिन एक बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू के अगले मरहले की तरफ मुंतकिल होता हूँ, तो वक्त काफ़ी हो गया है अपनी बात को उधर अगले मरहले की तरफ। सर मौलाना कारी तैयब साहब ने मरकर दादा उन्होंने एक बात पूछा कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ सिराज पर
और सिराज के मानो थे चरा बजाने चांद सूरज, ये लफ्ज ज्यादा वजनी और ज्यादा चांददार होते, लेकिन ये नहीं होते। खालसा फरमाते हैं सकता और जगहों पर बोले गए, लेकिन यहाँ जो सिराज का चराग है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक सूरज से दूसरा सूरज बन गया, एक चांद से दूसरा चांद बन गया। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि एक चराग से दूसरा चराग और दूसरे चराग से तीसरा चराग और तीसरे चराग से चौथा चराग, बल्कि एक एक चराग से एक एक चराग। अल्लाह के नबी का दाई का काम, अल्लाह के नबी का काम है, और जो भी दावत का काम करेगा उसका ये कि वो चराग, वो अपने जैसे इंसान और इंसान पे जाता है और इंसान पे जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तकरीरें नहीं की, बल्कि अबू बकर बना है, उमर बना है, उस्मान बना है, आयशा से भी काम बनाया। ये तो कुरान की जो दावत के हवाले से बहुत अहम आयत है, उस पर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, दावत की जिंदगी है, नबूवत के वक्त के बाद उसमें से दो तीन चीज मैं अर्ज करके आ गए। सबसे पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत की बेस किस चीज को, लोगों को बुलाने के लिए तो बुनियाद तो होती है, आपने अपनी दावत की बुनियाद को तो बहुत बड़े फलसफी मुकदमान की। आपने जो बात की सबसे पहले आप पर वही नाजिल हुई वो इल्म के हवाले से, कुरान से, आपने इल्म की तरकीब और पढ़ा लिखा माशरा नहीं था, लेकिन आपने कहाँ पर इल्म आया। दूसरी जो आपकी बुनियाद थी वो आपका किरदार। सबसे पहली जो आपने बात कही कि क्या मैं अगर उन अनहोनी बात की जो बातियों नजर में अजीब सी लगती हो वो कह दो मान लोगे, वो उन्होंने कहा कि हम मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए तैयार हैं कि इस जबान से कभी हमने गलत बात नहीं। दाढ़ी का जो किरदार और किरदार का वो पहलू जो मुआशरे का था, किरदार का एक पहलू होता है जो अल्लाह का और किरदार के पहले जो लोगों के साथ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई और आपको ये परेशानी लायक हुई कि पता नहीं ये जिम्मेदारी पूरी होगी या नहीं होगी, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए जो बात कही वो ये कही कि मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहती हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी इस दावत में, अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। क्यों कामयाब? ये एक पेशीन गोई है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा जो आज तक सच्ची होती नज़र आ रही है, उसकी सच्चाई बढ़ती चली जा रही है, अल्लाह के नबी की बात आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, क्यों होगी? आप इबादतें करते हैं, आप चिल्ले काटते हैं, आप लियाज़तें करते हैं, आप गार हरा में इंतकाब करते हैं, ये सारे काम अल्लाह के नबी करते थे। लेकिन खदीजा ने जो बुनियाद बनाई वो ये कि आपका लोगों के साथ बर्ताव बहुत अच्छा, छः सात और साफ ही करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों की मदद करते हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच बोलते हैं, आप लोगों को काम पर लगा देते हैं, जो कमाने के काबिल नहीं है उनको कमाने के काबिल बना देते हैं, इस तरह का।
सच्चाई को नौसाद का हामिल बनाया और फिर लॉस हो, इतना भी लॉस होकर कि ये भी ना सोचे कि डायरेक्ट मैं लोगों से जो अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूँ, इससे डायरेक्ट मेरी दावत को क्या फायदा, ये भी नजर आता। अल्लाह दावत को फायदा तो नहीं होता, उसकी एक मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चलता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एक सफर में, एक जगह पहुंचे पानी नहीं है, कोई परेशानी, जो मशकीजों में पानी है वो तकरीबन खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को और एक और सहाबी को भेजा कि जाओ इधर उधर से कहीं से पता करो कहीं पानी नहीं था। निकले तो एक खातून ऊंट के दरमियान में बैठी हुई है, पानी का एक मशकीजा दाहिनी तरफ एक मशकीजा बाईं तरफ। रसूलुल्लाह इन हजरात ने हज़रत अली वगैरह ने उससे पूछा कि पानी कहाँ से लाई हो, कितनी दूर है। उसने अर्ज किया कि कल इस वक्त मैं पानी लेकर वहाँ से चली, गोया 24 घंटे का यात्रा रास्ता है, अगर तुम पानी लेने जाओगे तो आने जाने में 48 घंटे परेशान। क्या कर इतनी दूर जाना भी मुश्किल, क्या सोचा कि खुद फैसला करने के बजाय मामला अल्लाह के नबी के सामने ले जाते हैं। उस खातून से कहा कि मेहरबानी करके थोड़ी देर हमारे साथ चलो, वो हमारे एक वो हैं बड़े हैं उनके पास चलाते हैं। उन्होंने कहा कौन, कहा अल्लाह के नबी, उन्होंने कहा वही वो जो अपने दीन से मुनहरिफ हो गया, वो जो अपने आबा अजदाद के दीन से फिर गया है, वो साबित। इन्होंने कहा हाँ बोल, जो तुम समझी हो ना बस वही, इससे बहस नहीं की कि जो लफ्ज़ तुमने बोला है ये ठीक है नहीं है, क्योंकि हर मौके माल के अपने तक आ जाते हैं, ये इस बहस में जाने का हमें, हाँ जो तुम समझी हो ना बस वही बोल, बस चलो सही बता दे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुश्किल जो उतार बता दे, आपने कुछ कलेमात पढ़े अल्लाह के हुक्म से और ये एक मुश्किले के बारे में कहा कि पानी निकालना शुरू करो और ऐलान कर दो कि जिसको पानी चाहिए आ जाए। 100 लश्कर में लोग आ गए, कोई वजू कर रहा है, कोई पी रहा है, कोई मुश्किला भर रहा है, कोई अपना बर्तन भर रहा है, कोई चीज़ भर रहा है, कोई दिन भर रहा है, सब कुछ भर गया, सब ने पी भी लिया, वजू भी कर लिया, लेकिन वो मुश्किले पानी के पैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा कि देखो हमने तुम्हारा पानी कम तो नहीं किया ना, लेकिन बाहर उसका वक़्त तो लिया था, घर जाने में लेट तो हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत का इतना एहसान तो हम पर है, इसलिए ऐसा करो कि जो जिसके पास है, जो दे सकता है राह खुदा में वो निकाले। किसी ने थोड़ी सी खजूरें निकाली, सत्तू निकाले, कपड़ा निकाला, कोई चीज़ निकाली, एक गठड़ी सी बन गई, उसको ऊंट पे बिठाया और वो गठड़ी उसके सामने रख दी और ये कहा कि अब उस खातून से थोड़ा सा उसका वक़्त लिया है, उसका सिला उसको देना ज़रूरी समझा, लेकिन साथ कोई दावत नहीं, कोई बात नहीं, खुदा पर मेहरबानी, और ये भी सोचा कि डायरेक्ट अभी इसका नकद मेरी दावत को फायदा पहुँचा, इंसानियत के नाते जिससे आपने थोड़ा सा भी फायदा उठाया चाहे उसका वक़्त दिया है, आप उसको उसका सिला दें। हो गए घर वालों ने पूछा इतनी लेट हो गई, उसने कहा वो एक बंदे के पास गई थी, या तो आसमान और ज़मीन के दरमियान नाउज़ुबिल्लाह उसने कहा थे वो सबसे बड़ा जादूगर है या वो सच में चलता करती है, इन दो बातों के अलावा कोई और तीसरी बात दो इम्कान बस बात खत्म हो, दोनों इम्कान उसके जहन में गर्दिश करता है, या वो जादूगर है या सच में चलता है। वक्त गुजर गया, कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने अपने चार लोगों से कहा
कि ये लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं कहते। उस जमाने में जो भी गुजरते थे तो जो भी रास्ते में कबीला नजर आया अरबों का रबाश का लूट किया ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये यहाँ से गुजरते हैं तो हमें कुछ नहीं कहते हैं, इनसे कोई डर नहीं होता। या तो वाकई इनका तरीका यह है या तो यह है कि चूँकि मुझसे इनको फ़ायदा पहुँचा है तो उसके एहसान के तौर पर एहसान शनासी के तौर पर हमारे साथ ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं। दोनों सूरतों में इसका मतलब यह है कि वो दो जो हाइपोथेसिस थे, दो मफरूज़े दिन में थे, या जादूगर है या चचर नदी है, तो ये इंसानी पहलू देख कर उसने कहा सीधी सारी जंगली औरत थी लेकिन दमाग था उसका औरत होती थी, उसके दिन में बात बात पक्की हो गई कि नहीं दूसरा मफरूजा ठीक है पहला मफरूजा गलत है। उसने अपने पूरे खानदान से कहा चलो इकट्ठे होकर चलते हैं उस नदी पर ईमान। जब अल्लाह के नबी उसके साथ वो बर्ताव कर रहे थे उस वक्त ये नहीं था कि डायरेक्ट इंसानियत के साथ भलाई करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी वक्त मेरी दावत को उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत की बुनियाद इस चीज़ पर, बात ज़रा लंबी हो गई, इरादा था मेरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से कुछ और मिसालें भी दावत के सिलसिले में पेश करो। एक चीज़ अर्ज करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में सिलसिला शुरू किया, सिर्फ मक्के में दावत का नहीं बल्कि आपका सिलसिला दावत का आपकी चेन और जगहों पर भी और कबाइल में भी जाती। यमन की तरफ का एक कबीला था दौस, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी एक शख्सियत थी सरदारों में से थे तुफैल इब्न अमर दौसी। मक्की दौर में ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया, उसका भी लंबा वाक़िया है कि किस तरह मक्के में अपने काम के लिए आए रसूलुल्लाह की शख्सियत से मुतासर हुए इस्लाम को, और इनके ज़रिए से कबीला दौस में एक दावती मुहिम चली, लेकिन कोई असरात नहीं लाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा हाजिर हुए और किया या रसूलुल्लाह मैंने अपने कबीले पर दौस पर बहुत मेहनत कर ली दावत के लिए, लेकिन वो तो मान के नहीं दे रहा है आप बदवा के लिए दबाव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और दुआ फरमाई कि अल्लाह दौस को हिदायत। वो मायूस हो गए लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई मायूस नहीं हो, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तो पहले नंबर दोसी 70 बंदे इकट्ठे ले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मायूस खुद भी नहीं हुआ है उनको भी नहीं मान दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि काम मक्की दौर से ये मेहनत शुरू हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 3 साल पहले। उस मेहनत का एक नतीजा ये निकला कि अबू हुरैरा नाम का ये शख्स ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और फिर अल्लाह ने उस शख्स से वो काम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात उम्मत तक सबसे ज़्यादा उसके जरिए से। तो दाई कभी मायूस नहीं, वो नकद फायदे का मुंतज है। वो तो फैर अहमद दौसी ने मक्के पे मेहनत की थी वो लग रहा था ज़ाहिर आ रही है, लेकिन आज अबू हुरैरा के हवाले से जितनी हदीसें हमारे पास मौजूद हैं वो दरअसल उसी मेहनत उसी मेहनत का रंग है। दावत की मेहनत कभी ज़ाहिर है उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर बनता। तो खैर ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी दावत की ज़िंदगी आज का दौर है। आज के दौर की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि दुनिया बहुत ओपन हो गई, रास्ते बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज़ादियाँ बढ़ रही, ये जो नया माहौल पिछली सदी से पैदा होना शुरू हुआ और आज की इस सदी में वो बढ़ गया आगे बढ़ गया। और सर वो मकीन के ख्याल में इसके मन भी कह दिए
लेकिन एक इसका मुस्बत पहलू ये है कि इस खुले माहौल में लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, और जब लोग बात सुनने के लिए तैयार होते हैं ऐसा माहौल बनता है तो दावत वहीं पे ज़्यादा प्रभावी होती है। आप जानते हैं कि 90 से पहले दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी, एक मगरबी निज़ाम के तहत थी, सरमायादारा निज़ाम के तहत दुनिया थी, और एक इश्तराकी निज़ाम के तहत थी। दोनों में फ़र्क ये था कि इश्तराकी निज़ाम की जो घुटन थी आप अपनी बात नहीं कर सकते, कहने की आज़ादी नहीं, और मगरबी दुनिया उस ज़माने में रूसी बाजार के मुकाबले में उसको आज़ाद दुनिया कहा जाता था। उन्होंने ये था कि माहौल खुलट होता है, आप जो चाहेंगे आप आज भी दर्ज कर लेते हैं कि आज भी जो ममालिक उस तंग और घुटन के माहौल के जेर असर रह चुके हैं, उनमें इस्लाम की दावत कम है। चाइना हमारा दोस्त है, पॉलिसी के एतबार से हमारे बहुत करीब है, लेकिन इस्लाम की दावत वहाँ उतनी निकल रही है। जहाँ जितनी उन मुल्कों में चल रही है जिनके निज़ाम को हम गलत कहते हैं, वो यकीन गलती हो गई, लेकिन माहौल का ये खुला जो इस दौर की बहुत बड़ी खसूसियत है, ये वो चीज़ है जो कम अज़ कम दावत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया की तो आपके पेश नज़र ये थी, हुदैबिया की सुलह मुशरिकीन की भी ज़रूरत थी, ये ऐसे ऊपर ऊपर से वो बातें ऐसी कर रहे थे कि जैसे हम एहसान कर रहे हैं सुलह करते, क्योंकि जंगों के नतीजे में उनकी भी बस हो चुकी थी, लेकिन उनका मसला ये था कि माहौल के पुरअमन ना होने की वजह से उनका कारोबार मुतासर हो रहा था। ये कुरैश का मसला था जिसकी वजह से सुलह उनकी ज़रूरत थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला असल मसला कारोबार नहीं था, वो भी था, लेकिन आपका असल मसला दावत था। चुनाचे आप देखें उस दौर जो ही सुलह होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई दावत की मुहिम शुरू होती है, और उसी दौर में कुरैश की एक नई तजारती मुहिम शुरू होती है, और दोनों का मिलाप वहाँ होता है कि शाह रूम के दरबार में एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा दावत की खत लेकर पहुँचा हुआ है, और दूसरी तरफ अबू सुफियान की सरबराही में वहाँ एक तजारती काम कर पहुँचा, बंदा इधर का भी क्या हुआ है, बंदा उधर का भी क्या हुआ है, उधर का बंदा कारोबार के लिए क्या हुआ है, इधर का बंदा दावत के लिए। हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 1500 आदमी, लेकिन 2 साल बाद जब मक्के जा रहे थे तो आपके साथ 10,000। एक माहौल में बात करना आसान हो गया, उसके नतीजे में सिर्फ 2 साल की मेहनत में बात यहाँ से जा रही है। तो मौजूदा जो माहौल है इसकी जो खराबियाँ हैं बहुत, लेकिन हम अपने दीन की दावत के लिए उससे रोका है, सारे इंसानों के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, हम दाई हैं, वो हम उनके खैर खान, हम उनके हमदर्द, इसलिए कि हमारे नबी ने कहा कि मेरा काम पकड़ पकड़ कर दोजख से बचाना, मेरा काम अल्लाह के उस दस्तरखान की तरफ लोगों को लेकर आना है जो अल्लाह ने जन्नत की शक्ल में दिया है। तो मेरा और आपका काम जब मुश्किल वक्त जिस इलाके किसी गैर मुस्लिम इलाके में दीन की बात करना मुश्किल होता था, अल्लाह के बंदों ने उस दौर में भी दावत पर बात की, और आज तो पता नहीं दुनिया में कितनी जगह हैं जहां आप अपनी बात कर सकते हैं, बस ज़रूरत अगले को समझनी है, अगले की सतह समझनी है।
इस चीज़ को समझने के लिए कि कितनी बार उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दाई देते हैं सबको दीन का पूरा पैकेज दे कर भी देना कि पूरा पैकेज एकदम वहाँ उनको कहने डिमांड कर दिया कि इस पर आ जाए। एक अल्लाह की तौहीद के साथ जब मान लें फिर नमाज की बात, फिर मान लें फिर ज़कात, फिर इस तरह तदरीन है। हमसे बात बात यह गलती हो जाती है कि खालिस कट्टर इस्लामी माशरे के अंदर जो दीन पर अमल का पैकेट होता है वो हर जगह हम लेकर पहुँचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खुद इस अंदाज से दावत दी और न ही अपने जितने दाई भेजे हैं उनको इसकी तरफ जिनको भेजा उनके लिए स्टेप पर एक बात समझाओ समझ में आ जाए दूसरी समझ में आ जाए तीसरी। बल्कि कुछ लोगों ने बाद कामों से इस्तिस्ना भी मांगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्ती तौर पर दे भी दिया इस्तिस्ना लेकिन बाद में वो करने वाले थे ये हिकमत खुद रोहिदास सभी धर्म की तरफ थी। हमारा मौजू तो बहुत लंबा था ज़्यादा वक्त आपका देता तो शायद आपके लिए भी बैठना मुश्किल होता। इतनी बातें भी आपने तवज्जो से सुन ली और मेरी समा खराशी को आपने गवारा किया उस पर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दावत की जो रूह है वो अपना पता कमाया। अभी मैं डॉक्टर सुमदास से तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उस्ताद कलमात फरमाएंगे कि वो सवाल मौजू के हवाले से करना चाहें वो लिख के दबा सकते हैं। पहले सवाल हिकमत अगर ना हो तो मैं सब इनाम के मुताबिक
आपने एक्सेप्ट किए थे, और अगर एक ब्यूटी लाद दिया जाए एक नए बंदे को दो भी बंद माशरे की बात की चर्चा में मैं थोड़ी देर एक बार माशरे में रहा, लेकिन वहाँ भी एक और तरह की हिकमत से इसका अपना काम किया है। रशियन स्टेट्स हैं या इवन चाइना, असल देश से बता रहे थे कि चाइना जाते रहते हैं कारोबारी सोचते हैं, तो जो हमारे तुजार पहले सफर किया करते हैं इंडोनेशिया में मलेशिया में, ये बैठ कभी जानी हुई वहाँ इस्लाम से जानी और मुसलमान हुए तुजार की तजारत की वो मसाली का उनके लेन देन से उनकी नज़र तैयार, हम समझते हैं शायद तैयार से जब यहाँ आया तो यहाँ भी रखा होगी वेस्ट वे और वहाँ देख गए वहाँ भी एक तैयार का अवसर मौजूद है ये फिक्री, तो वहाँ मैंने देखा कि वो अगर आप हयाबाद आँखों से देखें तैयार आपकी आँखों में तो उसका एक असर लेन देन में आपकी तो वो महसूस कर चाइना में असल इनका बता रहे थे जो हमारे तजार की मेजॉरिटी है इस्लाम का बदतरीन नमूना वालों के लिए वहाँ इस्लाम हमें देख के कौन इस्लाम फिर गाली मोटी बातों से तो नहीं होती ना, मैं वो अच्छे काम करो और शाम को मैं बुरे काम कर रहा और वो भी वही लोग मेरे साथ, मैं सारा दिन उसको तब्लीग करता हूँ इस्लाम में ये बातें बहुत अच्छी, तो मिसाल मैं शाम को उसके साथ पब में चला जाऊँ अंसारी की और शराब तो वो मेरा इस्लाम उस पर असर क्या होगा, इस्लाम का असर तो होगा दाई को दाई सही मानों में दावत देने वाला बनना चाहिए, पैटर्न बने अच्छाई का, जितना हिस्सा वो करता है वो इतने अच्छे तरीके से करे आसान तरीके से करे और फिर वो जन्नत अल्लाह ताला उसको तोहफे में भी दें उसके दारुल अमल यहाँ जो अमल करते हैं उसकी बुनियाद पे दें कि इसने इस बंदे ने मेरी मेरे भी ये काम किया तो मैं इसको ये गॉड इनाम के तौर आपके तौर पर तो है ना आपके ठीक है जैसे उनको उनके कमजोरियाँ तो बहुत होती हैं बहरहाल टॉपिक जैसे डॉक्टर ने तुम्हारा बहुत बड़ा है लंबा है, लेकिन ये बात मैं आपको और अपने आप को कहता हूँ और फिर अपने आप को कहने के बाद आपसे भी ये बात कि हम अच्छे मुसलमान बने, जब हम अच्छे मुसलमान बनेंगे तो अच्छे दाई भी बने दावत देने वाले भी हमारे बच्चे हमें देख के बच्चों के साथ आप सब गुफ्तगू करें तो नगले मुख्य बाद में जिस जोती है घर वो एक दिन उसकी माँ उसको रहता तो वो अकेले में बैठ कर तो रिपीट कर तरबियत का अवसर भी है दावत का भी है नमाज की तरफ है प्यार जमाना सिंचाई की तरफ मैं घर में मौजूद हूँ तो मैं कह रहा बच्चे को जाओ बाहर कह दो जरा अबू जान घर में नहीं क्योंकि मेरा कर्ज बाबा है दरवाजे पे आया तो वो मैं उसको सच्चाई की क्या तकलीफ दे मैं तो उसको झूठ की चैन दे रहा तो हमें अपने आप को भी तजिया करना चाहिए दाई बनना चाहिए और फिर अच्छे लोगों से दावत लेनी ही चाहिए। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसे मतलब से बैठना होते हैं उनसे सीखना होते हैं और दावत के बैठ मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज ये तीसरी होगी डॉक्टर साहब के आने से पहले एक तकरीर हम सुन चुके हैं असल साल उसके बाद डॉक्टर साहब मैं एक तकरीर कर ये बाहर ये थोड़ी सी बातें और भी बातें तो लम्बा फिक्रिया चाहिए हम अच्छे पैरोकार बने के मिसाली करें उनकी जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं मसलाब हैं हमारे उनकी ज़िंदगी से सीखें उससे रोशनी लें और वो रोशनी हम आगे बढ़ा यही बातें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप सवाल प्लीज ये कुछ सवाल हैं सामने पूछा है कि किसी गैर मुस्लिम को दावत देने का जो जवाब क्या हो सकता है
कुछ तफसीली रोशनी डालें, हम अपने गैर मुस्लिम दोस्तों रात को कैसे डालते हैं। इसमें सबसे पहले बात तो वही है जो जनाब ने फरमाई, एक मुसलमान को सबसे पहले खुद नमूना बनना है। ख़ासतौर पर अगर हम अपने तारीख को देखें तो ताजिर सबसे बड़े तारीख इंसान थे, ताजिरों के जरिए इस्लाम की दावत है। आज भी हमारी जो ताजिर कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, बाहर की दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा लिंक है। तो हम अपने आप को एक नमूना बनाएं और कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि अपने मज़हब की बदनामी का बायस ना बने, इतने भी कर लें तो पहले मरने में ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक यकीन हो कि अगर ये मुसलमान है, अगर ये पाकिस्तानी है तो ये सच ही बोलेगा, वादे पर पूरा उतरेगा, ये उसको अमली हमारे अमल के नतीजे में तो यकीन हो। जब हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी तजावत जो है उसको बहुत काबिल आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आमतौर पर ज़्यादा फिक्री और फलसफी किस्म की बहसें वो बहुत कम लोगों को मुतासर करती है, खुशहाल ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिस तरह की बहसों के नतीजे में इस्लाम, ज़्यादातर इस्लाम की जो सादगी है यही सबसे ज़्यादा चीज़ों को लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे उन्होंने सादगी हया या आपकी नज़रों में हया, आप उसको कुछ नहीं समझते, मामूली सी चीज़ समझते हैं, लेकिन जिनके यहाँ ये जिनसे नायाब है वो उसको बड़ी चीज़ समझते हैं कि जो आप अपनी चीज़ है। गैर मुस्लिम की इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वजह से थी। वो एक इंजीनियर था, वो अपनी किसी रिसर्च के सिलसिले में जजायर भी गया हुआ था, वहाँ की पुरानी जो मुस्लिम कल्चर है, बिल्डिंग्स के सिलसिले में मुस्लिम आर्किटेक्ट है उसको देखेंगे। तो वहाँ के आम जो गली मोहल्ला के सीधे सारे मुसलमान हैं उनकी सादा ज़िंदगी और ख़ासतौर पर जो भी मिलता है उनको सलाम करता है, इस चीज़ को देखकर मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह से माने जाते हैं दुआएँ हैं, अल्लाह से कैसे मांगा है। वो कहते हैं मेरा तजुर्बा यह है, कईयों के सामने मैंने उनका तर्जुमा रखा हो सकता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब से वो मांगने का अंदाज है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ये ज़ाहिर है कि आप जिस बंदे से मुखातब हैं उसकी नफसियात को उसके मिजाज को आप ज़्यादा देख सकते हैं। इस तरह के डायरेक्ट दावत देने की बजाय अगर वो पढ़ा लिखा शख्स है किसी न किसी तरीके से उनका ऐसा हीला बहाना करें कि उसके पास कुरान का तो नुस्खा हो, डायरेक्ट उसको अंदाज़ा होगा ना कि मेरा मतलब खेत में लगा है, तो अगर फिर अपने आप को संभालना शुरू कर उसमें बात बात दावत का अमल कमज़ोर, उसकी तासीर कमज़ोर होता है, तो गैर महसूस तरीके से उस तक वो पहुँचाते। एक वाक्य में पढ़ रहा था और हकीकी वाक्य है कुछ अर्थ में, एक शख्स जो मुसलमानों का और ख़ासतौर पर कुरान का इंतहाई बड़ा था, वो एक मरतबा के दुकान पर गया, वहाँ कुरान का भी नुस्खा रखा हुआ था। आप जानते हैं कि मुसलमान जहाँ कुरान जो छपता है वो बाहर से उसकी दिल दाम पर खूबसूरत होता है, ख़ासतौर पर ज़्यादा के मदरी मुल्कों में तो आला मैारी के साहब कुरान शरीफ का नुस्खा पहुँचते हैं, उसको दादा ने उसको तो डेकोरेशन के तौर पर उसको एक अच्छी चीज़ दी, वो उठा कर लिया उसके वो डेस्क पर रखू गया। उसके एक दोस्त ने उससे पूछा ये पता भी है क्या है, पता क्या है नहीं पता, क्योंकि वर्गी में सारा लिखा हुआ उसको, उसने कहा ये तो कुरान है। मैंने कहा इधर आपके डेस्क पर रखा रहा है तो अब आ ही गया है आपके पास, तो आप उसको मैं आप इसकी ट्रांसलेशन आपको ला देता हूँ, आप उसको पढ़ लेंगे क्योंकि आप कुरान में उसको इस तरीके से वो यानी किसी ने दावत नहीं की थी उसको, कुरान खुद ही उसके
तो टेबल पर पहुँच गया। तो इस तरीके से हर एक के मिजाज को देख कर इंसान को फैसला कर सकते हैं अल्लाह से माने। लेकिन नकद, जैसे मैंने मिसाल की थी, नकद फ़ायदा न मिलने की सूरत में मायूस कर दी। अगले को ये एहसास नहीं होना देने चाहिए कि अपने मदर की तरफ बुलाने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ, ये एहसास ना होना। तो इंशाल्लाह गैर महसूस करें जैसे अगर अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा होगा, और ना हो अगर फिर मजे की गैस होना, उसको ये कहते हैं कि जिसको भी तुम मान दो, जिसको भी तुम अपना खुदा मान दो, तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा गार्ड है, तुम्हारा यीशु मसीह है, जो भी है, उससे ये मांगना करो, जो भी तुम्हारा खुदा है, तुम अपने खुदा से जो भी वाकई खुदा है, ये मकानों का अल्लाह है खुदा, जो भी मेरा है मुझे सीधा रास्ता। ये बात ऐसी है जो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है, और इसके नतीजे में लोगों पर नजर ये दावत के अतबार से मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत कैसे काम कर सकती है, हमत इशात फरमाए। एक अच्छा खासा ये हुकूमत का किरदार वाकई बहुत अहम होता है। एक तो हुकूमत मीडिया की रेगुलेटर होती है, तो अपनी रेगुलेटरी पोजिशन को इस्तेमाल करना चाहिए दुरुस्त सिमत में लाने के लिए। कुछ इदारे भी किसी ज़माने में एस सी के दायरे में इस्लामी यूनिवर्सिटी के बताया तो दावा अकेडमी के नाम से एक इदारा बना था, अभी वो काम कर रहा है और बहुत ज़बानों में समझाने के लिए छापा है, बहुत आसान किस्म का छापा है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि उसकी सरगर्मियों का लेवल क्या है, फिर किसी ज़माने में तो बहुत ज़्यादा उसकी सरगर्मियाँ होती थी। एक नौजवान बेरोज़गार आला तलीम याफ्ता भी हो वाली कमजोरी की वजह से दावत में खलल आता है, इस नौजवान के लिए भी कुछ बातें इशारा करना है। तो रोज़गार इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, अगर एक बेरोज़गार है तो रोज़गार की तलाश को दरमियात में सरफरिस्त रखना चाहिए। उसकी वजह से अगर दावत के काम में कुछ कमी वाक़ हो रही है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने उतना ही मुकद्दर बनाया है जितना उसको बस कर अपनी इस्तेआत से ज़्यादा अल्लाह ने इंसान को मुकद्दर दाई के मुखालिफ सिर्फ इंसानियत है या रब्बुल आलमीन की तमाम मखलूकात। फिलहाल तो हम सिर्फ इंसानों को ही मुखालिफ कर सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो जिनका शायद इंसान से भी रब्ता होगा, लेकिन मुमकिन आने वाले किसी वक्त में किसी और ग्लोब पर कोई और शोर रखने वाली इंसान द्वारा शोर करने वाली मखलूक उभर जाए तो वो भी हमारी दावत का मुखालिफ बन सकती है। इसलिए कुरान में अल आलमीन का लफ्ज़ बोला है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कल आलमीन के मखलूक क्या खुशियाँ है। ये अल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ इन चीज़ों का इंतजाम होता रहेगा, तो जिसमें भी किसी दर्जे में शोर मौजूद है जो इंसान के लेवल का या उसके करीब करीब का होता है, तो वो रब्बुल आलमीन और उदल आलमीन और रहमतुल आलमीन ये उसका जो मुखातब बन सकता। अपने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छूट भी दी, उसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने ये कहा कि नमाज की भी छूट मिल जाए, रोज़े की भी ज़कात की भी, तो आपने रोज़े और ज़कात की है इसलिए कि ये साल के बाद ही आपने और अब तक आपने नमाज पढ़ी और इस तरह की कुछ। और ये एक से एक ने कहा कुछ छूट मान ली, रसूल अल्लाह ने फरमाया के पास एक चीज है कि ये वादा करो कि झूठ नहीं और जो मान लिया उतना ज़्यादा झूठ मिल गया। लेकिन जब भी कुछ कर रहे हैं तो ये सोचते हैं किसी को किसी ने पूछ दिया कि ये किया या नहीं किया, तो झूठ तो बोलना नहीं है, सच बताना पड़ेगा कि ये कोई करते नहीं। तो इस तरीके से तो इस तरह की कुछ मिसालें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होती हैं। लेकिन सचमुच इंसान किसी हुक्म शरीर का वो मुकल्लफ ना रहे ऐसा नहीं होता, ये एक हिकमत का एक तदरीज का एक लिखा होता है। तो जो आदमी पाँच भी पढ़ता है उसको और तीन पढ़ जाएगा, वो पढ़ जाएगा, तो मतलब नहीं कि बाकी माफ हो गई है, लेकिन बिल्कुल ना पढ़ने से दो पढ़ना उसके लिए फिर दो पढ़े हो सकते हैं, तीन भी पढ़ने लगते। अपने मुसलमान भाई से और ख़ासतौर पर मसले की इतलाह रखने वाले शख्स से उनके हवाले से बात कह सकते हैं। देखिए जो दावत होती है, ये बात थोड़ी सी समझते हैं, जो दावत होती है ये दीन के मबादी और मुसलमात की होती है, जो सब में मुश्किल है। तोहीद की दावत होगी, रसालत की दावत होगी,
اخلاقیات کی دعوت ہوگی، بنیادی عبادات کی دعوت ہوگی، نماز کی دعوت ہوگی، اس کی دعوت ہوگی. لیکن نماز پڑھنی ہے تو نماز رفع دم کرنا ہے، آمین اونچی کہنی ہے، ایستا کہنی ہے، ان چیزوں کی دعوت ہوگی. یہ تحقیق ہوتی ہے، یہ اجتہاد ہوتا ہے. اس میں تحقیق اور اجتہاد فرق مختلف ہوتا ہے. یعنی بطور دائی کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کسی لیے کہوں گا اس طریقے سے نماز پڑھے، اس طریقے سے نہ پڑھے. بطور دائی کہ میرا کام یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے کہوں کہ نماز پڑھنی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی دعوت کا موضوع جو چیزیں ہیں اس میں مسلکوں کا اختلاف ہے ہی نہیں. اس لیے یہاں مسئلہ کا سوال نہیں کر رہی. یہ مذہبی طبقے کے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ دعوت کے معاملے میں شدید وقت کا شکار کیوں ہے. تو یہ ویسے تو پھر کوئی سارے مسلمانوں میں غفلت ہے، اور اس میں ہمارے طبقے میں بھی یقیناً حوالے سے کوتاہی ہے. لیکن جیسا کہ بہت خوبصورت باتیں نشان فرمائیں، یہ بھی فرمایا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ خاص طبقہ یا خاص شکل کے لوگ ہیں، وہ دین کی دعوت ہے. میں ہر کلائی رہنمائی وہ کرے گا جس کے پاس علم ہے. لیکن دعوت کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، وہ سب ہی کی ذمہ داری ہے. داعی کی تعلیم و تربیت کے لیے جو کتب موجود ہیں ان کا بھی بتا دیں. کتابیں تو اس موضوع پر اردو میں بھی خاصی لکھی گئی ہیں، فوری طور پر تو میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. میں نے قائد عیب صاحب کا نام دیا، ان کی بھی کتاب اس موضوع پر ہے جس پہ اس آیت کی بھی لوگ جا سکے اور بھی کر رہے ہیں. یہ جو آیت ہے اس کی بڑی خوبصورت تشریح انہوں نے کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی اچھے کتب خانے کا آپ چاہیں گے تو امید ہے کہ آپ کو اس موضوع پر کتابیں مل جائیں. یہ سوال ہے. ہاتھ سے روکنے کی بھی توفیق دیں. ہم سب کو چاہیے
कि आप इसकी तरफ भी सोचिए, क्योंकि जब तक हम ईमान की ये बेहतरीन सूरत की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। अब मैं फिर डॉक्टर साहब से इस्तला करूँगा कि वो दुआ करें, क्योंकि उनकी मौजूदगी में मेरे मसला ये बन नहीं रहा। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم لا نصي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الذين يدعوا باتين سنيه وسنيه ان قرانا كنت توفيق تعالى रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा उसका हसना खुद के बनाने की तौफीक अता फरमाई है, दूसरों के लिए नमूना बनने की तौफीक अता फरमाई है, दाई बनने की तौफीक अता फरमाई है, अच्छाइयाँ फैलाने की और बुराइयाँ रोकने की तौफीक अता फरमाई है। या अल्लाह सबकी हालात और सबकी ज़रूरियात को पूरा फरमाइए, सबकी तमन्नाओं को जायद आरज़ुओं को पूरा फरमाइए, सबकी मुश्किल और सबकी तंगियों को दूर फरमाइए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाइए, उम्मत मुस्लिमा के हालात को बेहतर बनाइए, जहाँ कहीं मुसलमानों के आपस में झगड़े हैं तनाजात हैं उनके हल की बेहतरीन सूरतें पैदा फरमाइए। या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना दीजिए, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दीजिए, बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाइए। आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर जो भलाई जो अच्छाई आपसे मांग किया है हमें से हर एक को अता फरमाइए, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को अता फरमाइए, जिन शुरू से जिन आफात से जिन सदमात से जिन बुरे वक्तों से जिन बुरे हालात से जिन बुरी घड़ियों से आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हम सबको और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को उनसे पनाह में रखी है, उनकी खुशी हिफाजत में रखी है। और बना कब्र मिनारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद वजू दोस्त पूरी चला मिल Yeah, I'll have it.